एक सवाल है कि अगर किसी शख्स को सज़ा हो जाए कोर्ट से और वो जब सेंटेंस कन्विक्शन कन्विक्शन कहते हैं प्रॉपर वर्ड है कन्विक्शन कन्विक्शन मीन्स सज़ा हो जाना, तो सज़ा के बाद वो शख्स अपील करता है, यानी सज़ा के बाद कन्विक्शन के बाद तो वो फौरी तौर पे ज़ाहिर अरेस्ट होकर जेल पहुंचा दिया जाता है अपनी सज़ा पूरी करने के लिए, और फिर वो अपील फाइल करता है और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील उसका इंतकाल हो जाता है, यानी अपील चल रही है और उस शख्स का जिसको सज़ा हुई है इंतकाल हो जाता है, तो उस सूरत में अपील के साथ क्या होता है? देखिए उस सूरत में अपील के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कन्विक्शन या सज़ा किस नेचर की है। अगर सज़ा खाली इस हद तक है कि उसको कैद काटनी है, इम्प्रिजनमेंट काटनी है फॉर अ टाइम पीरियड, जो भी सज़ा में 7 साल 10 साल 14 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट वॉट एवर द कन्विक्शन और पनिशमेंट इज़, अगर तो ये है खाली कि इनको ये कैद काटनी है, इम्प्रिजन रहना है फॉर टाइम पीरियड और उनका ड्यूरिंग अपील डेथ हो जाती है, तो वो अपील इनफ्रक्चुअस हो जाती है, बेअसर हो जाती है, यानी उस अपील को फिर कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता, वो अपील भी जो है वो ख़त्म हो जाती है, अबेट हो जाती है, इट ऑटोमेटिकली गेट्स अबेटेड। लेकिन अगर सज़ा ऐसी है कि जिसमें कैद भी है साथ में जुर्माना भी है, फ़र्ज़ करें इतने साल सज़ा ये दी गई है कि इतने साल कैद और साथ में 5 लाख जुर्माना, 3 लाख जुर्माना, 1 लाख जुर्माना, यानी जहाँ भी अगर जुर्माने की भी रकम है, तो उस सूरत में अपील कम्प्लीटली अबेट नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, जो अपील उस हद तक ख़त्म हो जाएगी जो उनकी कैद है, उनको इम्प्रिजनमेंट है इतने सालों की, लेकिन जो उसका वो पार्ट है कि इतना जो जुर्माना है 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी अमाउंट है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एक शख्स जब इंतकाल कर जाता है तो अपने पीछे वो जो भी प्रॉपर्टी छोड़ जाता है उसको कहते हैं इस्टेट ऑफ डिसीज, यानी इंतकाल करने वाले शख्स ने अपने पीछे क्या प्रॉपर्टी छोड़ी है, चाहे वो बैंक बैलेंस छोड़ा है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लॉट, बिल्डिंग, शॉप, ऑफिस बिल्डिंग, हाउस, जो भी उनके नाम पे प्रॉपर्टी है वो छोड़ी है, तो उस पर फिर क्लेम आ जाता है उनके लीगल हेयर्स का, जो उनके कानूनी वर्सा होते हैं वो प्रॉपर्टी, यानी इंतकाल करने वाले शख्स की प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर यानी बच्चों, औलाद, बेटे बेटियाँ और बेवा के नाम हो जाती हैं, तो वो जो जुर्माने की सज़ा होगी वो उस हद तक वो अपील पेंडिंग होगी, उसके लीगल हेयर्स उस अपील को चला सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जुर्माना अगर एक शख्स का इंतकाल हो जाता है तो जो जुर्माने की सज़ा है वो फिर भी इंटेक्ट रहती है, एज़ पर लॉ ये होता है कि उसकी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उसके जो सेल प्रोसीड्स आएंगे उस प्रोसीड से वो जुर्माने की रकम अदा की जाएगी। तो ये होता है एक शख्स अगर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ हिज अपील अगेंस्ट कन्विक्शन सज़ा काटते हुए इंतकाल कर जाए और उसकी अपील की क्या स्टेटस होती है। थैंक यू।